की खूबसूरत नगरी कन्नौज सपा और भाजपा के लिए प्रतिष्ठा वाली सीट बन गई है। सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के सामने जीत की हैट्रिक लगाकर मुलायम सिंह यादव परिवार की बादशाहत बरकरार रखने की चुनौती है, जबकि वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक दो बार की हार का बदला लेने को आतुर दिख रहे हैं। डिंपल जीतती हैं तो तीन बार लगातार इस सीट पर जीत दर्ज करने वाली पहली उम्मीदवार होंगी, जबकि सुब्रत की जीत से 1998 से लगातार सपा का गढ़ बनी कन्नौज में सेंध लगेगी, जो इतिहास रचने से कोई कम नहीं होगा। कांग्रेस ने लगातार चौथे चरण में प्रत्याशी नहीं उतारा है। 1998 से इस सीट पर यादव परिवार का ही कब्जा रहा है। मुलायम सिंह से लेकर अखिलेश यादव और अब उनकी पुत्रवधु डिंपल यादव तक जीत चुकी हैं। पिछले चुनाव में मोदी लहर में भी सपा का कब्जा बरकरार रहा था, हालांकि टक्कर कांटे की हुई थी, लेकिन इस बार समीकरण कुछ बदले हुए हैं। सपा और बसपा गठबंधन से मुस्लिम और यादव के बाद दलित वोट भी डिंपल को मिलने की उम्मीद जगी है। सपा और बसपा गठबंधन से मुस्लिम और यादव के बाद दलित वोट भी डिंपल को मिलने की उम्मीद जगी है। वहीं भाजपा ब्राह्मण ठाकुर और पिछड़ी जाति के वोट बैंक को अपने पक्ष में मान रही है। अनुसूचित जाति के वोट बैंक में सेंधमारी भी हो रही है। भाजपा ने सपा खेमे को झटका देकर बैस ठाकुर को साधने के लिए मजबूत नेता पूर्व विधायक अरविंद प्रताप सिंह को अपने खेमे में शामिल कर लिया, लेकिन उनका भी कोई जादू चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद रसूलाबाद के पूर्व ब्लॉक प्रमुख कुलदीप यादव ने भी भाजपा की सदस्यता ले ली है। कुलदीप के भाजपा में आने से पार्टी को यादव वोट भी मिलने की उम्मीद जगी है। उधर सपा ने भी भाजपा को झटका दिया है। पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जनसभा में भाजपा से पूर्व MLC डॉक्टर रामबख्श सिंह ने अपनी पत्नी पूर्व विधायक रामनंदिनी वर्मा और बेटे आलोक वर्मा के साथ सपा की सदस्यता ले ली। सपा ने अपने इस दाव से लोधी वोट बैंक पर निशाना साध लिया है। इसी सीट में करीब 2 लाख लोधी मतदाता हैं। क्या है इस सीट की खासियत? यहाँ हुए 15 चुनाव लोकसभा में भाजपा को मात्र एक बार भी जीत नहीं मिली। 1996 में भाजपा प्रत्याशी चंद्रभूषण सिंह विजयी हुए थे। 1967 में बनी इस सीट पर पहले सांसद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बने थे। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लोहिया को 472 वोटों से जीत मिली थी। इस सीट की एक और खासियत है, 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे अखिलेश। ये है इसके आंकड़े। कन्नौज लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें से एक पर सपा और बाकी सीटों पर भाजपा का कब्जा है। अखिलेश और डिंपल दोनों ने उपचुनाव से ही कन्नौज में शुरुआत की। अखिलेश ने 2000 और डिंपल ने 2012 से हुए उपचुनाव में पहली बार जीत दर्ज की थी। अखिलेश यादव ने बसपा प्रत्याशी राजेश सिंह को 3,07,373 मतों से परास्त किया था। अगर हम बात करें 2014 में कितने वोटों से जीती थी डिंपल यादव, तो 2014 में 19,907 वोटों से जीती थी डिंपल यादव। 2019 में हो रहे चुनाव में मुस्लिम वोटर्स के आंकड़े हैं 2,50,000, सवर्ण के हैं 4,50,000 और वहीं OBC के हैं 8 लाख और SC और ST की बात करें तो उनके वोटर्स हैं 3 लाख। अगर कुछ वोट इधर से उधर होते हैं फिर भी डिंपल यादव 3 से 4 लाख वोटों से विजयी होती हुई दिख रही हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।